Dear friends, welcome. I am Sheikh Bashir, your friend, and today I am with the topic practical geometry, and today we will learn how to construct the quadrilateral when the information of five of its sides, that means four sides and a diagonal, is given. So इससे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में जानकारी हासिल की है कि हम ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ट्रायंगल में हमें पता चला है कि ट्रायंगल को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास थ्री वैलिड इन्फॉर्मेशंस है. तो लेकिन क्वाड्रिलेटरल यानी फोर साइडेड फिगर को आपने अगर कंस्ट्रक्ट करना होगा तो उस सूरत में आपके पास पाँच वैलिड इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए, तभी आप एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर हम पहला केस लेते हैं SSSSS. इट मीन्स वी विल कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द इंफॉर्मेशन द लेंथ ऑफ फोर साइड्स एंड अ डायगोनल इज गिवन. तो उस बार उस में हम आज जानकारी हासिल करेंगे उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है चार साइड्स की इंफॉर्मेशन और एक डायगोनल की लेंथ हमारे पास है. तो सबसे पहले जब भी आपने कंस्ट्रक्ट करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को या किसी और फिगर को, तो आप एक रफ फिगर बनाइए. पहले रफली आप ड्रा कीजिए एक फिगर, उसमें वो जो डायमेंशंस है यानी लेंथ ऑफ साइड्स और वर्टिसेस का नाम जो देते हो ए बी सी डी, वो भी आप लिख लीजिए. उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि मुझे कौन सा साइड, उसकी लंबाई क्या है, तो कौन सा एंगल भी अगर आपके पास दिया गया है, कौन सा एंगल उसका मेजरमेंट क्या है, तो उसी पर डिसाइड करके फिर आप असली कंस्ट्रक्शन तैयार कर सकते हो. स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करेंगे और कौन सा स्टेप आप पहले करेंगे वो फिर आपको पता चलेगा. इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रफ एस्टिमेट आप क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे, एक रफली क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे, ए बी सी डी उसका नाम देंगे और जो ये साइड इसकी लंबाई यहाँ पर दी गई है वो हम मैंशन करेंगे. जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर रफली ड्रा कर रहा हूँ और उसमें एक डायगोनल भी ड्रा कर रहा हूँ और उसमें जो वर्टिसेस का नाम है ए बी सी डी, ये आपको पता है अगर हम ए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बी देना है, यहाँ से सी, यहाँ से डी, या फिर यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नाम देते जाइए. उसके बाद जो लंबाई दी गई थी साइड्स की वो भी हम देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है. तो इस तरीके से हमें पता चला है कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसमें ये साइड जो है ए बी वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये साइड बी सी 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो इससे क्या हमें पता चला, क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल ऐसे नहीं बना सकते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे इस केस में हम दो ट्रायंगल्स बना सकते हैं, वही हमें क्वाड्रिलेटरल फिर बन जाएगा. जैसे क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल पहले ए बी सी ये ट्रायंगल हम ड्रा करेंगे क्योंकि इसके तीनों साइड की लंबाई हमारे पास है. इससे पहले भी हमने सीखा है अगर हमने एक ट्रायंगल ड्रा करनी है उसके तीनों साइडों की लंबाई हमारे पास अवेलेबल है तो उसको कैसे ड्रा करेंगे. बिल्कुल वही तरीका हम यहाँ पे भी अपनाएंगे और ये ट्रायंगल ड्रा करेंगे. तो फिर रहा हमारे पास मसला ये दो साइड्स का ड्रा करने का, यानी डी सी एंड डी ए का, वो भी हम उसी ट्रायंगल की मदद से, ट्रायंगलर जो रूल है ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी मदद से हम वो भी ड्रा करेंगे. तो कैसे करेंगे हम, चलो आगे चलते हैं. सबसे पहले हम ए बी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर और उसका जो नाम है दैट इज़ ए बी. तो उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैंने बी सी ड्रा करना है और ए सी ड्रा करना है, लेकिन बी सी 5.5 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है. तो जैसे आपने ट्राइंगल में बी पर जो कंपास रख कर आपने एक आर्क ड्रा की थी 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंट और ए पर कंपास रखकर 7 सेंटीमीटर आपने आर्क ड्रा की, वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे. जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, बी पर कंपास रखकर यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ, अब ए पर कंपास रखूँगा और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर वो उसको ओपन करूँगा पहले, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे
एक आर्क ड्रा करूंगा, ये आर्क्स डेफिनेटली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारा पॉइंट सी है, वर्टेक्स सी है ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्वाइन करेंगे, यानी इस पॉइंट को हम सी नाम देंगे। तो अब नाम तो हमने दिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स सी को हम बी के साथ ज्वाइन करेंगे और ए के साथ ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद इन दो साइड्स की लंबाई हम लिखेंगे, ये क्या क्या है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखते जाएंगे। तो हमारे पास ये वाली जो ट्रायंगल है ये तो अब बन गई। अब हमने क्या करना है, अब ये दो साइड्स, अब हमें डी पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, वो डी पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी पर कंपास रखकर 4 सेंटीमीटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर ए पर कंपास रखकर 6 सेंटीमीटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वही डी पॉइंट कहलाएगा। जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया है, सी पर रखकर एक आर्क ड्रा की है, जैसे ये आर्क, और ए पर रखकर ये आर्क ड्रा की है। तो इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो इस पॉइंट का नाम जो है वो है डी। ये आपको पहले ही जो रफ आपने ड्रा किए ही, रफ ड्राइविंग की है आपने पहले ही, तो आपको पता है कि ये डी पॉइंट है। अब मेरा जो काम है डी को सी के साथ जोड़ना और डी को ए के साथ जोड़ना, दैट इज इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इन दोनों को जोड़ा है। तो अब अगर मैं इनकी लंबाई नहीं भी लिखूं तो ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी बराबर होगा, लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है फिर भी। तो इस तरीके से हमने ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये कंस्ट्रक्ट किया है। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी हमने कैसे इसको बनाया है। जैसे क्या किया हमने, पहला स्टेप जो किया हमने, ड्रा ए बी 4.5 सेंटीमीटर। पहला तो ये काम हमने किया है, ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया है जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दो आर्क्स ड्रा किए हैं फ्रॉम बी टू सी और फ्रॉम ए टू सी। जैसे ड्रा एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंट फ्रॉम बी, यहाँ से बी से 5.5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंट है, एंड एन आर्क 7 सेंटीमीटर डिस्टेंट फ्रॉम ए, ए से 7 सेंटीमीटर। सो नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज आर्क्स एज सी। जहाँ पर इन आर्क्स ने कंस्ट्रक्ट आपस में इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने सी नाम दिया है। ज्वाइन बी सी एंड ए सी, फिर हमने बी सी और ए सी को ज्वाइन किया है एक लाइन सेगमेंट के जरिए। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद यहाँ पे आर्क्स ड्रा की है सी टू डी। सी से 4 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन किया है और डी पर एक ड्रा आर्क ड्रा की है, और इसी तरीके से ए पर कंपास रखकर 6 सेंटीमीटर को ओपन किया है और यहाँ पे एक आर्क ड्रा की है। अगेन ड्रा एन आर्क 4 सेंटीमीटर डिस्टेंट फ्रॉम सी, सी से 4 सेंटीमीटर दूर एंड 6 सेंटीमीटर डिस्टेंट फ्रॉम ए। सो दीज आर्क्स आल्सो इंटरसेक्टेड ईच अदर एट द पॉइंट डी, दैट इज नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज आर्क्स एट डी। तो उसके बाद जो हमारा काम बचा है, दैट इज ज्वाइन डी सी एंड ए डी आर डी ए, दैट इज ज्वाइन सी डी एंड ए डी। तो इस तरीके से जो हमने किया है ये कम्प्लीटली हमने क्वाड्रिलेटरल को तैयार किया है। तो दैट इज ए बी सी डी इज नाउ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल विच वी वेयर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट। तो इस तरीके से हमने इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया है। आपको मैं आखिर पर एक चीज़ और बताऊं, जब आपने किसी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है आपके पास लाजमी 5 वैलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगरचे क्वाड्रिलेटरल में 4 ही साइड्स होते हैं, 4 ही एंगल्स होते हैं, लेकिन आपके पास 5 इन्फॉर्मेशन वो भी वैलिड। कोई समझेगा अगर मेरे पास एक साइड दिया हुआ हो और 4 एंगल्स, तब भी नहीं बना पाएगा क्योंकि वो वैलिड नहीं है। वो आपको आगे पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ इन्फॉर्मेशन वैलिड है, क्या क्या होना चाहिए, 5 में से साइड्स कितने होने चाहिए, एंगल कितने होने चाहिए, वो आप आगे सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने अब इस कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखा होगा। आपको अब आराम से आप करेंगे, अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम होगी आपके पास तो आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। थैंक यू।